तो महात्मा हो डाढ़ा प्रयास कया उन्हें सतगुरन को बुद्धि वचन लेकिन भगवान जी या भी कृपाए अप्रत्यक्ष कृपा प्रत्यक्ष कृपा डाढ़ी डाढ़ी कोशिश कई उन्हें कई तरह जा साधन कया सात संग जी त आखिर विचारो हार जीव जी छो जो भगवान जी माया डाढ़ी प्रबल एक उन्हें महात्मा रोई करे भगवान के प्रार्थना कई अरदास कई चवण में इंदी कि उन्हें लड़ाई कई लेकिन वह दिल से पुकार अरदास हुई लेकिन बाहर कोई दिसंदो तो चवंदो अरदास तो करे कि झगड़ो तो करे उन्हें महात्मा भगवान श्याम सुंदर जी सामू भी करे चे तो प्रभु तू डाढ़ो चालाक हां गोपियों तो के कपटी चवंदी न सही चवंदी ध्यान नहीं बुझो तू सच में डाढ़ो चतुर चालाक हां प्रभु हेडा साल थी असा के सत्संग बुद्धि असा जा गुरु महाराज चवंता ही कयो ही न कयो कुछ थे ही कोन तो न काम क्रोध लोभ सधजे तो न दया करुणा कोई असा जे मन में सेवा थी अचे प्रभु एकड़ी गाल बुधाए ध्यान से बुझा मां बिल्कुल सही तो चवे तू चाहे तो कि माया तृष्णा जो त्याग करे मुसा प्रेम कयो भजन कयो सेवा कयो एकड़ी गाल बुध मानू ता चवन मन न थो लगे संसार में मन जल्दी तो लगे माया ठाए पान औ चो माया को बचत असा ठाई माया असा बनाई तृष्णा ठाए तू मौत असा जे मथो वरी असा के तो चे ते नजे पार थी दिखा हाँ असा जी ताकत है माया में तृष्णा में संसार जे विकारन में संसार जे स्वादन में तू एडा रस भरया है तू नाम में वो रस छो न भरयो जहां तो मुख्य जवाब दे तृष्णा में माया में एडो आनंद तो अचे असा के बिना कुछ करे मन लगी तो वही हाँ खाने पीने मन लगाना पवन घुमन फिरण में ऐश करण में सुख मारण में कोई मेहनत न करनी पवी तू ये छोटाई तृष्णा ही माया छोटाई माया एडी बढ़िया रुचिकर ठाए एडी रसदार ठाए लच्छेदार ठाए कि पाने ही वही खड में किरे मानू आ नाम जपण भक्ति करण मन के पकड़ एडो कठिन करे छे तो चंगा भला नथा करे सकन अज कन खोले बुधी छ अज को मुझी जिम्मेदारी खत्म गीता जी अरणी अध्याय जी 66 श्लोक में तू चयो आ न तो मुझी शरण वठ तो अज को मां चिंता न कंदो मैं न कि मां भाव कंदो मैं कि मां के कुछ नथो अचे भजन कोने मां विकार में फाथल तू जान तुजो कम जान हां बाकी हथ जोड़े चूं ता तुजे शरण में मां तुजे शरण आया प्रभु आ मां नथो चवा तू ही कर दे हूं कर दे तू जिए रखंदे मां राजी रहंदो तो ते भरोसो रखंदो तू मार चाहे जिया बस हाने दया कर हे मुजा ठाकुर तू चाहिंदे त मां गुण गाईंदम न चाहे त तुजी मर्जी आ अगर मां मन पकड़ियो या न पकड़ियो तरी मन विकारन में लगो तुजी चिंता मन तुजे भजन में लगो तुजी कृपा भव सागर पार पे जियुम तुजी करुणा तुजी दया आ बुढ़ियम विषय विकारन में बुराइन में तपो या तुझी इच्छा इन करे अज को मां पूरी जिम्मेदारी तोखे दे छे हाँ मां कुछ न जाने मुझे कोई मतलब को नहीं तू जान तुझो कम जाने ये चे करे रोन लगो आ वाकई उन्हें डी को पोने जी जिंदगी बदल दी वही उन्हें डी को पोने के एडो भजन में रस अचे आनंद अचे विषय विकारन को पानी दूरी थी वही चाहे तो मिलन सको ना केनी मल इच्छा थे तो उनके मिलन को ना हुए सुख सुविधा भगवान जानबूझ करे उनके दूर करे सके तो हिनमल ताई उन्हें जो आनंद ना आयो पो आयो तो भगवान के प्रार्थना कई तो प्रभु तू हमेशा जल्दी कटी बुधी करे झगड़न सा तैयार थी आशा हाँ प्रेम वाली प्रार्थनाओं तो के पसंद नहीं दियुन शादर सत्कार वाली डाढ़ो शौकीन लगे तो भक्तन की लड़ाई झगड़े में तरी भगवान सपने में चेस तो प्यारा इन मलकों पैरों जेको तू साधन कंदे उन्हें में तुझो अभिमान होंदो मां कंदुम क्रोध से मां लड़ंदुम तो अहंकार लड़ंदो क्रोध से अहंकार खुद विकार क्रोध से छा लड़ाई कंदो तो तू हमेशा हारे वेंदे लेकिन अज रोई करे तू सा जेको प्रेम में गालायो आ वो मुखे डाढ़ो आनंद आयो पर अज तू हार जी में अहंकार
जेको करण जो अभिमान हो कि मां कंदुम मां कंदुम उहो तुंहिंजो अभिमान निकितो ऐं मुंहिंजी कृपा त पहिरियों बि हुई ऐं हाणे बि आहे त हाणे उहा कृपा तुंहिंजे मथां फलीभूत थी वई छो जो अभिमान रूपी उन खे दीवार रोके पई उहा भित रोके पई उहा दीवार तूं तोड़े छॾी हाणे तुंहिंजे मथां सदा कृपा रहंदी त असां बि